यासिन खान सर जी। यासिन जी कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम थी? सर मैं टीकमगढ़ से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, ओके। और मुझे भगंदर की माने शिकायत थी जी, और मैंने पहले ग्वालियर में इलाज कराया था जी, बैंड भी लगवा लिए थे ओके, और इंजेक्शन भी लगवा लिए थे, और जब भी मेरा दर्द ना मुझे ये ख़त्म नहीं हुआ ओके, इसलिए मैंने कंप्यूटर जब मोबाइल में देखा तो आपका आया। कब से चल रही थी ये प्रॉब्लम, सबसे पहले कब हुई, क्या हुई था? सबसे पहले बवासीर थी, बवासीर से फिर मैंने ग्वालियर जाके इंजेक्शन लगा लिए। अच्छा, तो इंजेक्शन जाके वो बढ़ गई, फिर आगे चल गई, कम से कम 3-4 साल हो गए ऐसे करते करते जी। फिर सर्जरी करते करते हो गई, फिर मैंने आपका देखा इंटरव्यू, तो फिर मैंने बोला मैं सर के पास जाऊंगा और सर्जरी से दिखाऊंगा पहले। इलाज कहाँ कहाँ कराया आपने बीच बीच में? मैंने ग्वालियर भी लगा लिया था, भोपाल भी दिखा लिया था। अच्छा, भोपाल में भी करा था। हाँ, बैंड भी लगवा लिए थे, बैंड लगवा लो वो भी करा लिए थे, 4-5 जगह मैंने दिखा लिया था, आराम मुझे कहीं से नहीं मिला। ठीक है, फिर होता क्या था, तकलीफ में क्या होता था? वही दर्द चालू और पस आने लगती थी जी, पस बहुत ज़्यादा आने लगी थी फिर बीच में। ओके, फिर यहाँ आके कैसा रहा आपका? यहाँ आके सर ने बोला ऐसा ऐसा हुआ है, और 2-3-4-5 सेटिंग लग सकती है, और सेटिंग में बिल्कुल सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। फिर हमने आया, फिर मैंने सर ने सर जाँचे वाँचे कराए, फिर सर ने बोला सेटिंग हमने कोई सेटिंग में कोई तकलीफ हुई थी? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं, नॉर्मल बिल्कुल, सर ने क्लीन बिल्कुल, कोई तकलीफ और नाम का कोई चीज़ ही नहीं है सर के हाथ में, पता नहीं जादू ही है समझ लो। अच्छा, ओके, तो पहली बार जब आए थे उसके बाद से कितने दिन में अपने काम पर लग गए, कैसे नॉर्मल फील होना शुरू हो गया? गाड़ी चला के आए थे, कैसे आए थे? ट्रेन से आए थे वहाँ से, तो और गए भी हम ट्रेन में, पहले आए थे तो बहुत बहुत दर्द चालू हर चीज, और सारी सेटिंग हुई बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल शांति से गए, शांति से आए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई। क्या बैठ भी नहीं पाते थे क्या? पहले बैठ भी नहीं पाते थे, खड़े रहते थे। ओके, तो 3 साल से ऐसा कैसे चल रहा था? दवाइयाँ खा लेते थे, फिर कहीं उनने कहीं उस डॉक्टर को दिखा लो, इस डॉक्टर को दिखा लो, मैं दिखाई, फिर उनने दर्द की और उसकी काम दवाइयाँ दी, फिर उससे थोड़ा आराम लग जाता था। ओके, और आप बिल्कुल ठीक? अब बिल्कुल, सर ने जब से सेटिंग करी अब तो ओके है बिल्कुल। तो किसी और को इस तरह की बीमारी हो या MP के आसपास का हो, आपसे बात करना चाहता हो, तो आप नंबर दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर जी, बताइए क्या नंबर है आपका? 97-55 ओके 32-67-13 ओके। ठीक, कंप्लीट फिट लग रहा है अब आपको? कुछ वजन भी पहले से बढ़ा है? पहले तो आई थिंक हाँ, पहले से वजन भी हुए 2-3 किलो ज़्यादा। और आप देख रहे हैं इनको, इनका मूड पहले से अच्छा रह रहा है कि पहले टेंशन में जैसे रहते थे? अच्छा लग रहे हैं। ओके, अभी पहले से बाल वाल भी बड़े हैं क्या? हाँ, बाल भी कम हो रहे थे, मेरे को लगता परहेज ज़्यादा कर रहे थे उस टाइम। क्या है, टेंशन थोड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, आदमी को कोई बीमारी आता है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि अब कैसे होगा नहीं होगा, थोड़ा ये है इस तरह की बात हो जाता है। लगभग 3 साल तक इसी टेंशन में रहे, अब टेंशन से निकल गया तो अपने आप शरीर पर रौनक आ जाता है जी। ओके, और खाने पीने के जो परहेज पहले कर रहे थे, अब कुछ कर रहे हो ऐसा? नहीं नहीं, सर ने जो बताया था, तुम जो भी खाओ, मांस मच्छी भी खाओ, अंडा भी खा सकते हैं, जो करना चाहे वो, सिर्फ थोड़ा लिमिट से, और कोई दिक्कत नहीं। खाने पीने सर ने बिल्कुल ही मना नहीं किया था, शुरू से ही खाओ। पहले कैसे कर रहे थे आप, पहले खाना पीना सब बंद था? बिल्कुल सारा बंद कर दिया था, ना मिर्च व्यर्थ, दाल रोटी खाओ बस, आराम से लेटे रहो, और कुछ नहीं। जब से सन ने बोला जो मर्जी खाओ, अंडे भी खा लो, मछली भी खा, जो करना चाहो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अब काम भी कर पा रहे हैं अपना? काम तो हम वही कर रहे हैं, काम भी कर पा रहे हैं, काम तो बिल्कुल सही है, काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना करें। और जब से सन ने सेटिंग करी, उसके 2-3 दिन से भी काम करने लगा था, कोई दर्द ना कोई वो। पापा ठीक लग रहे हैं अब? बोलो। हाँ,